Hi, I'm Junaid Khan, and you're watching me on Movie Shuvi. यार कैरेक्टर जो है वो अच्छा कैरेक्टर है, बिकॉज़ इसमें दो शेड्स हैं. इसमें एक तो कॉलेज लाइफ है जो कि एक फेस दिखाया है, दोस्तों का आपस में कितना बॉन्ड है, कितने आपस में कनेक्टेड हैं. और फिर उसके बाद जो है फिर दे ट्रांजिशन इनटू दे प्रोफेशनल लाइफ. इनके जो एस्पिरेशंस थे, जो कि बनना चाह रहे थे अपनी कॉलेज लाइफ में कि हम ये बनेंगे. सो आई टेक द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. मंशा वाला कैरेक्टर है वो एक जर्नलिस्ट बन जाती है. रोमा वाला कैरेक्टर है जो कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर है इसी चैनल की. और जो कामरान वाला कैरेक्टर है वो बेसिकली वो कुछ नहीं कर पाता बिकॉज वो ड्रग अब्यूज़ का शिकार है. सो उस दोस्त की वजह से जो है, जो एक ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से वी आर कनेक्टेड अगैन. हम अपने प्रोफेशंस में हैं बट वी आर कनेक्टेड अगैन. और फिर हम जो हम अपने अपने प्रोफेशंस में जो हम आप कह सकते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में थे, हम होते हैं ना क्या, कोई नहीं यार मुल्क में चलती है ऐसी चीज़ें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हमें फिर एक रियलाइजेशन होती है, एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि वी रियलाइज के वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन आवरसेल्व्स एंड आल्सो इन द सिस्टम, एंड देन वी फाइट हार्ड टू चेंज द सिस्टम. म्यूजिक, फिल्म, ड्रामा, आई डू फिल्म. हाँ, ब्रॉडवे मुश्किल है, टफ बहुत है, बट हाँ इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट आई वुड रादर डू अ फिल्म देन ब्रॉडवे. यार आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ. मैं तो अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूँ थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, वेदर इट्स म्यूजिक, टेलीविजन, फिल्म. आई एम जस्ट हेयर टू एक्सप्रेस, और दैट्स व्हाट माई मोटिव इज, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. यार बस इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, और टफ है, टफ रोड है. सिस्टम्स हैव टू बी प्रॉपरली इन प्लेस नाउ. द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड. दिस कैन नॉट गो ऑन. सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकती इंडस्ट्री ये वाली स्पेशली, बिकॉज काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. द प्रोड्यूसर हैज़ टू बी सिक्योर. गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन प्रॉपरली रेगुलेटिंग के सिनेमा घर भी खुले रहें, प्रोड्यूसर भी, ताकि फिल्में बनाता रहे, और हर जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें. सो गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा. यार बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, बिकॉज सब मुझे बहुत पसंद है. सो मैं नाउ यू हैव टू पुट देम इन द लिस्ट. इकरा मंशा, तूबा एंड हीरा मानी. यार मैं किसी को भी नहीं लिस्ट में डाल सकता, क्योंकि सब मुझे बहुत पसंद है, चाहे हीरा हो. हीरा के साथ मैंने इतना काम किया है, मैंने मंशा के साथ भी इतना काम किया, अभी फिल्म भी आ रही है. तूबा के साथ खुदा और मोहब्बत में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तूबा, इकरा के साथ मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं. सो मैंने तो सबके साथ काम किया है. आई विल बी वेरी अनफेयर टू एक्चुअली रैंक देम. मेरा फेवरेट गाना, वैसे तो सारे गाने मुझे बड़े पसंद है. द रीज़न वाई आई साइन दिस फिल्म, वन ऑफ द रीजन वाज द सॉन्ग्स वर सो कमर्शियली स्ट्रॉन्ग. मुझे वैसे इसमें जो है कहे दिल जिधर का एक स्लो वर्जन है वो फिल्म में है, वो मुझे बहुत पसंद है. सुना दे सर. वो फिल्म में आप सुनेंगे ना. यार इट्स अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म. सारी जो ऑडियंस है, क्लासेस ऑफ ऑडियंस कैन रिलेट टू दिस. इसमें कॉलेज की जो हम जैसे अपने जवानी में थे, स्कूल कॉलेज लाइफ में, हम वैसे जो हमारी हरकतें थी, हम उससे जो सारे जो यूथ है वो उससे रिलेट करेगी. प्रोफेशनल लाइफ में जो चाहे वो पुलिस वाले हों, पॉलिटिशियंस हों, जर्नलिस्ट हों, वो सब इसे रिलेट करेंगे. सो आई थिंक ऑडियंस जो है वो एंटरटेन होके जाएगी. दिस एवरी थिंग फॉर एवरी वन in this film with a message that we strongly advocate, which is go against drug abuse. यार रीज़न टू सपोर्ट, वैसे क्योंकि सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है फॉर एंटरटेनमेंट इन आर कंट्री. सो इसलिए सिनेमा खुले रहने चाहिए और सिनेमा में फिल्में आती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत कम है पाकिस्तानियों के पास. सिनेमा एक बहुत एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप जाते हैं, फिल्म देखते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, खाते पीते हैं. ये सारा जो सिस्टम है ना, ये बड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर द ऑडियंस. सो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सब सिनेमा को सपोर्ट करें. क्योंकि सिनेमा को सपोर्ट करेंगे तो फिर प्रोड्यूसर भी फिल्में देगा, जब सिनेमा को रिटर्न मिलेगा तो प्रोड्यूसर को रिटर्न मिलेगा, ये साइकिल चलता रहेगा. सो
फिर ऑडियंस तक भी ये इसका बेनिफिट पहुंचेगा। ऑडियंस के लिए टिकट बड़ी महंगी हुई है आजकल। सो मेरे ख्याल में सारा साइकिल जो है रिविजिट होना चाहिए ताकि ये जो चलता रहे। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो और बहुत आगे जा सकती है। यार कहे दिल जिधर, माय फर्स्ट फीचर फिल्म इज़ अबाउट टू बी रिलीज्ड। 17 दिसंबर को फिल्म आ रही है और मैं इसलिए नहीं कह रहा आप लोग आए बिकॉज वही बात के सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। द फिल्म इज़ एंटरटेनिंग और मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म देखी थी, आई वॉज एंटरटेन्ड। मैं हंसा भी था फिल्म देख के, मैं रोया भी था, मेरा दिल भी किया था कि मैं उठ के नाचूँ गाऊँ बिकॉज दिस फिल्म हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट एंटरटेनिंग फिल्म शुड हैव। सो कम watch the film, and if you want to get entertained, come watch the film.